विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में भी रही क्रिसमस की धूम, तमाम गिरजाघरों में आयोजित हुई प्रार्थना सभा, ईसाई समुदाय ने झूम कर मनाई खुशियां। इस्लामी क्विज कॉन्टेस्ट का हुआ समापन, विजेता प्रतिभागी हुए पुरस्कृत, पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हुए कई गणमान्य। बगोदर में धरा गया शराब का अवैध खेप, धंधेबाज हुए फरार, प्रेस वार्ता कर पुलिस ने दी जानकारी। और नए साल की आहट के साथ ही गुलजार हुए वनभोज स्थल, खंडोली वाटरफॉल में लगा सैलानियों का तांता, मौज मस्ती का दौर हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। क्रिसमस की धूम गिरिडीह में भी रही। क्रिसमस को लेकर सभी गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं इन गिरजाघरों में आराधना का दौर जो रात से प्रारंभ हुआ तो यह बारी बारी से लगातार चलता रहा। विश्व में अमन, शांति और प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां गिरिडीह में भी मनाई गई। क्रिसमस की धूम यहां भी चारों ओर रही। क्रिसमस को लेकर रात से ही चहल पहल बनी हुई थी। सभी गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस दौरान कई चर्चों में रात से आराधना प्रारंभ हुई तो वह बारी बारी से सुबह और दोपहर में भी जारी रही। मौके पर सभी चर्चों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने प्रार्थना आराधना करते हुए प्रभु यीशु के आगमन की खुशियां मनाई। वे हमारे बीच में हमारे जैसे देखे हैं, इधर चांदी बनाए हैं। ऐसे अनेक गिरजाघरों में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चांदी हम लोग बनाते हैं। चांदी तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन यदि हमारे चरणी में, हमारे हृदय में यीशु का जन्म नहीं होता,
जन्मदिन सोमवार को गिरिडीह में भी मनाया गया। इस दौरान स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में भाजपाइयों ने एक समारोह का भी आयोजन किया। भाजपा नगर कमेटी की ओर से स्टेशन रोड स्थित कार्यालय में एक समारोह आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष सदानंद वर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष प्रकाश सेठ, बाबुल गुप्ता, हबलू गुप्ता, अनुप सिन्हा, सीताराम वर्मा, संजय सिंह, राजेश बंसल, गोपाल विश्वकर्मा, रागिनी लहरी, सोनू चौरसिया, दीपक स्वर्णकार समेत भारी संख्या में पार्टी नेता मौजूद थे। यहां तमाम लोगों ने अटल जी को एक विशिष्ट व्यक्ति बताते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई प्रेषित की। आज का दिन बहुत विशेष है। आज कार्यकर्ताओं के रोम रोम में बसने वाले परम आदरणीय सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है। 93 वर्ष के आज हुए और आज हम सभी साथी मिल करके उनके जन्मदिन पे हम लोग उल्लास से उनका जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं इस नगर के कार्यालय में। इस अवसर पे कई लोगों ने उन अपनी बातों का रखा, जो उनके सानिध्य में काफ़ी लोग यहाँ पे रह चुके हैं, उनके बोलचाल की भाषा से लेकर के उनके रहने उठने का सारे संबंध में सब वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है और उनको सब लोगों ने मिल करके उनके शीघ्र स्वस्थ होने का और दीर्घायु होने की कामना हम लोगों ने आज की है। आज का अवसर बहुत बड़ा अवसर है। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को दो बातें हुई थी, एक तो प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, दूसरे के साथ साथ आज भारत के महामानव परम आदरणीय श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म हुआ था। इस अवसर पे सभी देशवासी आज बहुत उल्लासित हैं और खास करके गिरिडीह के सभी भाजपा के कार्यकर्ता इस उल्लास में सम्मिलित हैं। प्रदेश के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में और इस देश के सर्वमान्य नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाने के लिए हम सब एकत्रित हैं। प्रदेश ने निर्देश दिया था कि इनका जन्मदिन और व्यापक स्तर पर मनाया जाए और इसलिए संगठन ने निर्णय किया, गिरिडीह जिला ने भी निर्णय किया कि इनका जन्मदिन पूरे इस जिले के तमाम बूथों पर और मनाया जाए। और आज के दिन इस जिले के सभी बूथों पर और जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसी कड़ी के रूप में आज इस गिरिडीह नगर में और नगर कार्यालय में इनका जन्मदिन मनाने के लिए हम सब जुटे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के बुढ़िया खाद में हाजी मौलाना गुलाम सरवर रिजवी की जानिब से 2 दिवसीय इस्लामिक क्विज कंपटीशन करवाया गया। सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ ही क्विज का समापन किया गया। पैगंबर ए आजम इस्लामिक क्विज का आयोजन रविवार को बुढ़िया खाद स्थित सिराज मैरिज हॉल में हाजी मौलाना गुलाब सरवर रिजवी के जानिब से किया गया था। इस क्विज कॉन्टेस्ट में आसपास के सैकड़ों मुस्लिम बच्चों ने हिस्सा लिया था। शमीमा खातून पैगम्बरे आज़म इस्लामिक क्विज मुकाबला हो रहा था, जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों से क्वेश्चन पूछे गए। 100 में से 70 था इस्लामिक का और दीनी और इसमें 30 था दुनियावी। सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ इस क्विज कॉन्टेस्ट का समापन हो गया। समापन मौके पर आयोजन समिति के मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना गुलाम हैदर, मौलाना स्माइल, मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष इरशाद अहमद वारिस, सामाजिक कार्यकर्ता इस्तियाक लालो, बाबा सत्तार, बाबा फरीद, मास्टर अख्तर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अमीन अकेला समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहां बारी बारी से प्रतियोगिता में अव्वल आए बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि इस्लामिक तरबियत से संबंधित तमाम तरह के सवाल इस कॉन्टेस्ट में शामिल किए गए थे, जिसमें बेहतर जानकारी का हवाला देकर प्रथम स्थान अलीशा प्रवीण ने झटक लिया, वहीं दूसरे स्थान पर सोहेल वारसी रहे। ऐसी बेटी अल्लाह अता करता है।
इधर तीसरा स्थान इस्मत प्रवीण ने अपने नाम किया। सभी बच्चों को बारी बारी से आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं उपस्थित अतिथियों ने पुरस्कृत किया। लेकिन ये भी हमने पढ़ा है कि कौम का कोई मर्द पढ़ता है तो कोई फर्द पढ़ता है, और कोई बेटी पढ़ती है तो नस्लें तालीम याफ्ता हो जाती है। इसलिए सुभान अल्लाह 1500 रुपए लालू बाबू की तरफ से पहला इनाम हासिल करने वाले सुभान अल्लाह, ये पहाड़ी जी की बच्ची है। कॉन्टेस्ट के बाबत समिति सदस्यों ने कहा कि इस्लाम अमन शांति और भाईचारे का संदेश देता है। इस्लाम धर्म की जानकारी के लिए ही इस कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था। तकरीबन 350 बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की, और इनमें शामिल होने वाले हर बच्चे इनाम के लायक हैं, चूँकि ये लोग अपने मेहनत की बुनियाद पर, अपने लियाकत की बुनियाद पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए, और हिस्सा लेने के बाद 350 बच्चों में 3 बच्चियाँ छट के आई, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों ने जो क्वेश्चन और आंसर सेट किया है उसमें जीके भी है, इस्लामी तालीमात भी है। मकसद हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों के अंदर तालीम हासिल करने का और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने का एक जज्बा बेदार किया जाए, जज्बा पैदा किया जाए। इसके लिए तकरीबन 2 महीना से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो तैयारी हम लोगों की नज़र आ रही है। 350 जैसा कि माओ गुरु साहब ने बताया कि 350 करीब बच्चे और बच्चियां मिलकर हमारे यहां जमा हुए। हम लोग भरपूर कोशिश करें, ये हमारी शुरुआत है, ये हम लोगों का आखिरी नहीं है। हमारी अगली कोशिश होगी कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करें, ताकि पूरा ज़िला, और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि स्टेट लेवल का ये क्विज कम्पिटिशन का प्रोग्राम। इधर उपस्थित अतिथियों ने आयोजन समिति के इस प्रयास को मुक्त कंठ से सराहना की। सारे बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया, बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा, हौसला अफजाई उनको इनामात से नवाजा गया, और जितने भी तरह के जनरल नॉलेज की बातें थे वो की गई, और इस तरह का जो तालीम क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है, इससे हमारा देश तरक्की करेगा, और अगले बार जो जिस तरह का प्रोग्राम होगा उसमें जितने भी बोर्ड से पास किए हुए शिक्षा क्षेत्र में, और जितने भी लोग जो इस तरह की भी तालीम हासिल किए हैं उसमें लोगों को सराहा जाएगा इनामात से, और इंशाल्लाह ये पूरे गिरिडीह शहर में बहुत ही पहला सुझाव दिए हैं मुस्लिम कौमी एकता जागरूकता फैलाने के लिए, जिसके लिए मैं तमाम उलमा और इसमें जुड़े हुए तमाम मेम्बरान को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि गिरिडीह शहर में हर एक मोहल्ले में मैं चाहूँगा कि ऐसा भव्य प्रोग्राम हो, और तमाम गिरिडीह शहर वासियों में जितने भी मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो उस्तानिया हो या और किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में, झारखंड लेवल से अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले तो मैं उनको सम्मानित करने के लिए इंशाल्लाह हमेशा एक साथ एक प्लेटफॉर्म में खड़ा रहूँगा, और उन्हें दूर तक अच्छा प्लेटफॉर्म में दिलाने के लिए हमसे जितना भी मदद चाहिए, जितना भी हमारे दम पे मदद होगा इंशाल्लाह मैं उनके लिए करूँगा। यह हमारा पूरा गिरिडीह शहरवासियों से, मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सब अपने अपने बच्चे को सीख उन्हें दें, ताकि हमारे मजहब और इस्लाम गिरिडीह नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह जिंदा रहे। इसी के साथ मैं अपना सब समाप्त करता हूँ। सिखों के 10वें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह की जयंती गिरिडीह में भी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में भजन कीर्तन आदि का आयोजन किया गया। गुरु धनंजय नारायण सिंह की स्मृति में स्वरांगन परिवार की ओर से रविवार को मोती सिनेमा हॉल में शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सलूजा गोल्ड के डायरेक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, सरोद वादक पंडित मनोज केडिया, शास्त्रीय गायक शशांक शेखर व अन्य अतिथियों ने दीप जला कर की। अभिनव आदित्य ने गिटार वादन की प्रस्तुति की। उनके पिता दयाशंकर सिंह ने तबला वादन किया। स्वरांगन के राजीव रंजन ने गंधर्व जी का भजन प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंडित शंभु दयाल केडिया ने हारमोनियम वादन और भजन प्रस्तुत कर समा बांध दिया। तबला पर संगीत रामकृष्ण केडिया कर रहे थे। उन्होंने गुरु धनंजय नारायण सिंह के बारे में बताया कि वह बड़े कलाकार थे,
और गिरिडीह में उन्होंने कई लोगों को संगीत सिखाया है। अर्पित रंजन ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। तबले पर संगीत केशव प्रसाद सिंह व हारमोनियम पर अरित चंद्रा ने संगीत किया। पटना से आए डॉक्टर चंदन सिंह ने हारमोनियम पर अपनी कलाकारी दिखाई। पंडित मोर मुकुट केडिया ने सितार, पंडित मनोज केडिया ने सरोद वादन की प्रस्तुति की। दिल्ली से आए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शशांक शेखर ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी मौके पर गुरु वीरेंद्र नारायण सिंह के पुत्रों केशव प्रसाद सिंह, दयाशंकर सिंह ने भी तबला वादन में शमा बांध दिया। कोलकाता से पिनाकी चैटर्जी ने भी तबला पर अपनी प्रस्तुति दी। मंच संचालन आलोक प्रभाकर कर रहे थे। मौके पर कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, अभिनव उपाध्याय, सुनील मंथन शर्मा, अमित दत्ता, संदीप राणा, श्रवण केडिया, शमन सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और श्री मोर मुकुट केड़िया वो भी आएंगे, इनका कार्यक्रम भी
आप सुनेंगे, आपने सुना ही होगा, लेकिन ये ऐसे कलाकार है कि आप जितना सुन लें आपका मन नहीं भरेगा। तो और उनके पिताजी श्री शंभुदयाल गिरिया जी, इनका पूरा परिवार जो है इस कार्यक्रम में इन्होंने जिस प्रकार से सहयोग दिया है और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, मैं बहुत आभारी हूँ। और साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह की 391वीं जयंती गिरिडीह में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस दौरान पंजाबी मोहल्ले स्थित गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन आदि का आयोजन किया गया। मौके पर समाज के अमरजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, काका सिंह, कालू सिंह, अमन सिंह, संदीप सिंह, मिंकल सिंह, इकबाल सिंह, गुरमीत कौर, हरमिंदर बग्घा, अजिंदर सिंह, स्वीटी दुआ समेत काफी संख्या में सिख संगत जुट कर मत्था टेका। मौके पर रागी जत्था ने माहौल को भक्ति और आस्था से तर बतर कर दिया। इसके अलावा 5 जनवरी को भी गिरिडीह में स्टेशन रोड गुरुद्वारा में भी गुरुपर्व मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। गिरिडीह की संगत से मेरी विनती है कि आप बढ़ चढ़ के गुरुद्वारे में कार्यक्रम में हिस्सा लें और अपना जीवन सफल बनाएं। सारी गिरिडीह की संगत को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। लगी है 25 दिसंबर को खंडोली और वाटरफॉल में भी पिकनिक के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौज मस्ती, घूमना फिरना, खान पान आदि की चर्चा होते ही बरबस ही वन भोज स्थलों का अक्स उभरता है। नए साल की आहट के साथ ही गिरिडीह के वाटरफॉल और खंडोली में सैलानियों का झुंड पहुंचने लगा है। 25 दिसंबर को भी इन स्थलों में
पिकनिक करने वालों की भीड़ जुटी और लोगों ने जमकर मौज मस्ती की। सभी लोग को आना चाहिए यहाँ पे। अगल बगल धनबाद से, आसनसोल से, कलकत्ता से भी टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और मैं सभी शहरवासियों से आग्रह करता हूँ कि एक बार यहाँ वाटरफॉल में आएँ और आराम से यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा का मज़ा लें। आज तुलसी दिवस है, इसी के साथ हम सभी शहर फूल का मकान बहुत अच्छा रहा है, थोड़ा साफ सुथरा है। कहते हैं कि ये जिला प्रशासन के सहयोग से, उनके लॉ एंड ऑर्डर से यहाँ पे सब चीज़ बहाल की गई है। और मैं एक मैच कस्टोडियन हूँ, जिला प्रशासन के अधीन ये खंडोली पर्यटन है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसका लुत्फ उठाएं और सुरक्षा नियमों का पालन। दिसंबर को आए हुए हैं खंडोली, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग घूमे, बहुत अच्छा लगा। हम लोग बोटिंग में भी गए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गया है, बहुत सारा फैसिलिटी बढ़ गया है। अभी तो जो साफ सफाई यहाँ बहुत अच्छा रह रहा है और पूरा गार्डनिंग वार्डनिंग बहुत अच्छे से किया जा रहा है। कंडोली पेंटिंग भी आते हैं यहाँ का, एकदम सुविधा है, जो सुविधा आपसे बात करते हैं। पनीर पकौड़ा, प्याज के पकौड़ा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी का भी मिल गया है। इसके अलावा और क्या क्या? और इसके अलावा सर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, अभी चाहिए हमें ताकि चाउमिन वगैरह है, चाउमिन मंचूरियन वगैरह। और व्यवस्था क्या इसके लिए आपकी, कितने दाम में दे रहे हैं, क्या दाम दे रहे हैं अभी सर? जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है फ्री रेट पे है, बाकी वही हॉट मटेरियल अलग अलग रेट है। पुलिस ने अरगडीहा मोड़ के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। बताया गया कि ट्रक से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य का शराब एक बोलेरो में लोड किया जा रहा था। बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीपक शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना प्रभारी राजीव कुमार और उनकी टीम ने अरगडीहा मोड़ के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। बता दें कि जब एक ट्रक से एक बोलेरो में अवैध शराब लोड किया जा रहा था, उसी वक्त पुलिस ने वहां दबिश दी।
पुलिस को देख मौके पर उपस्थित सभी धंधेबाज भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने सभी को दूर तक खदेड़ा, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर सभी गायब हो गए। बाद में जांच करने पर पाया गया कि ट्रक से बोलेरो में लगभग 10 लाख रुपए मूल का अवैध शराब लोड किया जा रहा था, जिसमें 700 ml के 149 पेटी एवं 48 ml की एक पेटी शामिल है। इस बाबत सोमवार को प्रेस वार्ता कर बगोदर पुलिस इंस्पेक्टर कपिल देव पुद्यार ने इस घटना की पूरी जानकारी दी। बताया गया कि फिलहाल पुलिस अवैध शराब कारोबारियों को तलाश रही है। एक टीम बनाएगी, इसमें मैं थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह, गुप्त सूचना के आधार पर जो एक ट्रक से जिसका नंबर RJ09 4GB 1119 एवं बेलोरो संख्या JH01S 3105 में ट्रक से उतारकर अवैध व्यापार के लिए दारू को लूट किया जा रहा था। पुलिस दल गठन पुलिस दल द्वारा छापामारी करने पर ट्रक एवं बेलेरो को जब्त किया गया। पुलिस को देखकर उसका चालक मालिक एवं व्यापारी फरार हो गया। इस संबंध में ट्रक को जब्त कर अनुसंधान एवं काम दर्ज किया जा रहा है। गाड़ी को जब्त कर थाना में रखा गया है एवं कुल 1836 बोतल दारू, जिसमें 700 ml का 149 पेटी और एक पेटी जिसमें 48 बोतल है, लगभग 10 लाख का दारू को जब्त किया गया। काम दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। बरगंडा में लॉरियल सीरीज के एक नए सैलून एवं स्पा तथा बोर्डो में सना इलेक्ट्रिक नामक दुकान का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बड़े शहरों के तर्ज पर गिरिडीह में भी आधुनिक सुविधाओं से लैस लॉरियल सीरीज का एक नया सैलून व स्पा खुल गया है। बरगंडा स्थित श्री कृष्णा हाइट्स में खुले ग्लेज सैलून का उद्घाटन सोमवार को नवपदेश दिनेश यादव ने किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बताया गया कि सैलून में वह तमाम सुविधाएं उपलब्ध है जो एक ब्रांडेड सैलून में होती है। हेलो, आया यार, हेलो, इधर आया, हाँ सर जी बोलो यार, कम ना हो भी आ गये, कहाँ है विकास, इधर है, कहाँ, अभी था, हाँ, बिल्डिंग में हमारे कृष्णा ठाकुर जी और उनके भाई और तमाम कर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़े शहरों को तर्ज पर आज हमारे गिरिडीह शहर में एक सुंदर अच्छा एक सैलून का उद्घाटन समारोह हमारे हाथों से करवाया। और हमें आशा है कि आपके सेवा, चूंकि हम लोगों ने बड़े शहरों में इस प्रकार के सैलून की व्यवस्था देखा करते थे, आज हमारे गिरिडीह में ये सौभाग्य हमारे गिरिडीह वासियों के लिए है कि इतनी अच्छा और सुंदर सैलून की यहाँ व्यवस्था हुआ है और यहाँ सभी प्रकार की सेवाएं इनके द्वारा मिलेगा। मैं अनिल जी और इनके तमाम साथियों उनके भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ लेडीज एंड जेंट्स दोनों की सर्विस होती है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट है, लेडीज का है, हमारे यहाँ सब चीज़ उपलब्ध है। आपका बड़े शहर में जाते थे सर्विस के लिए, अब आपके शहर में है गिरिडीह में। क्या क्या सुविधा यहाँ हमारे यहाँ आपका सुविधा है, हेयर का ट्रीटमेंट होता है, स्किन ट्रीटमेंट होता है, आपका पेडीक्योर होता है, फूड स्पा होता है, कलरिंग होता है। इधर बोड़ो मिशन के पास सोमवार को सना इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन सबा अहमद के द्वारा फीता काटकर कराया गया। मौके पर अफरोज आलम, कमाल खान, इरफान आलम, फिरोज खान, मोइन मिर्जा, आजाद अंसारी आदि मौजूद थे। उद्घाटन के बाद तमाम लोगों ने प्रतिष्ठान का अवलोकन किया और संचालक को शुभकामनाएं दी। बताया गया कि इस क्षेत्र में अच्छे बिजली उपकरण प्रतिष्ठान की आवश्यकता थी। इस प्रतिष्ठान के खुलने से वह कमी पूरी हो गई है। और ये पूरा हाउस वायरिंग है, लेकिन इंडस्ट्रियल वायरिंग था, पूरा टोटल सामान अवेलेबल है।
लाइट एंड फिटिंग ट्यूबलाइट्स वगैरह टोटल अवेलेबल चीज़ें दे रही हैं और मार्केट में फर्स्ट दुकान खुला हुआ है, सस्ता से सस्ता सामान दिया जाएगा। जिला साउंड एसोसिएशन की ओर से सोमवार को मुफस्सिल क्षेत्र के बगुलवा टाड़ में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर संघ की ओर से जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के बगुलवा टाड़ी स्थित मिडिल स्कूल में साउंड एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर गायन प्रतियोगिता कराई गई। मौके पर बतौर अतिथि जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान उपस्थित हुए। वहीं मौके पर एसोसिएशन के रामजी यादव, अजय शिवानी, सुरेश सिंह, विनोद दास, मोहम्मद इरफान, शंकर कुमार, मोइन अंसारी, ताजुद्दीन, फिरोज, मुन्ना दास, सोखन राय आदि मौजूद थे। यहाँ गीत संगीत की प्रतियोगिता के साथ साथ जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम कराया गया। वचन कर्म से जिसने सुख नाम दिया, कोठी भी पढ़ पढ़ क्या उसलिए हम लोग ये सब प्रोग्राम करवाए हैं और हम लोग चाहते हैं कि कमिश्नर भैया इस पर हम लोग का हाथ बढ़ाए। और साथ में एक प्रॉब्लम और है जो कि संगीत प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है लेकिन यहाँ संगीत का कोई टीचर नहीं है, हमारे बच्चे संगीत कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम कमिश्नर भैया से चाहेंगे कि वो संगीत के बारे में कुछ बात बोले। हो रहा है और आपका बहुत बड़ा योगदान है और हम चाहते हैं कि हमेशा आप लोगों के सहयोग दें और हमेशा साथ देंगे, इसी बात पर हम बात करेंगे। ईमान का ना दे अल्लाह मुझको एक ऐसा बागवान बना दे अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। नाम बुलाया जा रहा वही आइएगा जिनका नाम बुलाया जा रहा, तालियां हो गया एक बार। अब मैं उसे बुलाना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसी गरीब महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जिनके पास ठंड में गर्म कपड़े नहीं, वैसे लोगों को इन्होंने कंबल देने का काम किया है। निश्चित रूप से ये सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि साउंड एसोसिएशन इस दिशा में कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। अभी बच्चों का स्वेटर का मामला आया, उस दिशा में भी साउंड एसोसिएशन आगे बढ़े। एज ए जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते मैं उनके साथ हूँ, उनको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। उनकी समस्या हमारी समस्या, क्योंकि हमारे इस जिला के नौजवान, चाहे वह साउंड से जुड़ा हुआ, चाहे मीडिया से जुड़ा हो, चाहे किसी भी व्यवसाय क्षेत्र में जुड़ा हुआ, वो नौजवान अपने रोजगार में अगर आगे बढ़ता है तो उसके लिए हम अपने स्तर से सहयोग करने के लिए तैयार है। क्षेत्र के जो यहाँ समस्या है, पेयजल की समस्या, यहाँ स्कूल में विद्यालय में जो समस्या है, उस समस्या को यहाँ CCL क्षेत्र में पड़ता है, CCL के CSR और कायाकल्प योजना के तहत उसको हम लोग लेकर के उसको पूरा कराने का काम करेंगे। अभी DSO जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जो राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या थी। गिरिडीह में भी रही क्रिसमस की धूम, तमाम गिरजाघरों में आयोजित हुई प्रार्थना सभा, ईसाई समुदाय ने झूम कर मनाई खुशियां। इस्लामी क्विज कॉन्टेस्ट का हुआ समापन, विजेता प्रतिभागी हुए पुरस्कृत, पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हुए कई गणमान्य। बगोदर में धरा गया शराब का अवैध खेप, धंधेबाज हुए फरार, प्रेस वार्ता कर पुलिस ने दी जानकारी। और नए साल की आहट के साथ ही गुलजार हुए वनभोज स्थल, खंडोली वाटरफॉल में
लगा सैलानियों का तांता, मौज मस्ती का दौर हुआ शुरू। ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को